नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीपलता ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शुरुआत, जैसे कि आपको पता ही है, हर गृहिणी की शुरुआत उसकी रसोई से ही होती है। मेरी भी शुरुआत मेरी रसोई से है। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है बाहर। सुबह के 7 बज गए हैं और अभी बारिश की वजह से थोड़ा ठंडा बहुत हो गया है। दीप अभी सोए हैं, बेटा भी अभी सोया है, मेरी बेटी भी अभी सोई है। अभी आपको दिखाएंगे तीनों सोते हुए, कितने क्यूट से लगते हैं। सभी लोग सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले आपको दोस्तों बाहर का मौसम दिखा के लाती हूँ। बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, आप चलिए मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, बारिश हो रही है, कितना पानी पानी हो गया है। ये देखिए बारिश ज़्यादा नहीं है, हल्की है, लेकिन भीगने लायक बहुत है। रात से बारिश होने में है, तो आपने देखा बारिश हो रही है। अब मैं सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद अपने बेटे को उठाऊँगी, उसे स्कूल जाना है, लेट हो जाएगा, तो मैं आपसे मिलती हूँ पूजा करने के बाद। दोस्तों मेरी पूजा हो चुकी है, आपको एक चीज़ दिखाऊँ। मेरे बेटे ने शिवलिंग बनाया है, देखिए कितने छोटे से प्यारे से बना के। उसको ये सब बनाने का बहुत शौक़ है। मैं उसे पढ़ने के लिए बोलती हूँ और उसके बाद देखती हूँ जाकर, तो वो यही सब बनाता रहता है। उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, पढ़ाई से उसका बस ऐसे ही है। ये सब उसे बहुत शौक है। देखिए कितना सुंदर सा शिवलिंग बना रखा है। ये देखिए, ये सब वो खुद ही करता रहता है, कहीं से देखता नहीं है, बस उसकी अपनी मन की कला है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, अगर उसका शौक इस क्रिएटिविटी में है तो आगे चल के इस पे और प्रोग्रेस करें, तरक्की करें। ये आप फिर से मैं आपको अपनी रसोई में ले आई हूँ। बेटे को उठाने से पहले थोड़ा सा तैयारी कर लूँ खाने की। रात कोई बोल देता है अगर उसे लंच में कुछ अलग ले जाना हो तो रात में बता देता है। तो आज उसने मुझे बोला, मम्मा येलो राइस बना देना टिफ़िन में, मैं येलो राइस लेके जाऊंगा। तो आज मैं नाश्ते में भी येलो राइस ही बना दूंगी और गरम गरम येलो राइस ही खाएंगे। मैं थोड़ा सा ये लहसुन प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें तैयार करके रख देती हूँ। उसके बाद जाके बेटे को उठाती हूँ, दीप को उठाती हूँ। बेटी भी सोई है मेरी, उसके उठने से पहले सोचती हूँ थोड़ा काम हो जाए, छोटी है, क्योंकि उसके बाद फिर काम नहीं करने देती, आपको तो पता ही है। थोड़े से लहसुन छील लेती हूँ मैं, प्याज छील लेती हूँ, टमाटर काट लेती हूँ। ये रोज़ के काम होते हैं, आप लोग के भी रोज़ सुबह उठ के यही काम शुरू हो जाते होंगे। सभी लोग को संडे में तो छुट्टी मिलती है, लेकिन हम लोग को संडे में भी छुट्टी नहीं मिलती है। ये हमारे डेली रूटीन के काम है, जो हमें करने हैं तो करने ही हैं। ऐसा भी नहीं कि इनको करने में हम बोर होते हैं, अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना। ये हमारे ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है जो करना ही करना है। थोड़ा से लहसुन छील लेती हूँ। और दोस्तों आप सोचे होंगे दीपलता ब्लॉग में कुछ नया आ क्यों नहीं रहते दिनों से, अभी आपको बताएंगे क्यों नहीं आ रहा है। देखिए मैंने प्याज टमाटर लहसुन आलू सब काट के रख दिया है, चावल भी धो के रख दिए हैं, बस इसको बनाना रह गया है। बेटे को उठा लें, चलिए आपको बेटे के पास। और ये देखिए सब कैसे सो रहे हैं। बेटा मेरा कैसे सोया है, रचित उठो, स्कूल का टाइम हो गया, उठो जल्दी उठो रचित उठो। ये देखिए इसे उठाने पूरा 1 घंटा लगता है, फिर उठ के फटाफट फटाफट सारे काम करता है ये। रचित उठो, वो देखो बाप बेटी कैसे सोए पड़े हैं, वो देखिए उठे हुए हैं लेकिन सब सोने की एक्टिंग करते हैं। वो देखिए मेरी बेटी भी उठ गई है। रचित हेलो करो, हेलो करो। ये देखिए अभी नींद में ही है, वो बेटी मेरी उठ गई है,
उसको स्कूल नहीं जाना रहता है, लेकिन वो उठ जाती है सुबह ही। बच्चे तो उठो। और दोस्तों ये देखिए दीप थोड़े नाराज चल रहे हैं, इनको भी चाय पीते पीते मनाएंगे, चाय बनाएंगे तो मनाएंगे। वो देखिए उठेंगे नहीं, उठ चुके हैं लेकिन अभी उठेंगे नहीं, फिर छुप के सो जाएंगे। रचित उठो, स्कूल जाना, उठो। ये देखिए दोस्तों ये तैयार होने में कितना परेशान करता है, बाहर बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, और ये अपनी ड्रेस पूरी नहीं पहनते हैं, कह रहे कि हम कोट पहन के नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे बच्चे आपके भी होंगे ना, ये बहुत जिद्दी है। ये देखो अब इनका मेकअप हो जाएगा। रचित कुछ बताओगे दोस्तों को? मम्मी पापा ज़्यादा परेशान करते हैं कि बेटा ज़्यादा परेशान करता है? वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए, अब वो देखो मेरी बेटी आप सबसे मिलने के लिए कितनी परेशान है, कह रही दिखा दो। दीप अभी उठ चुके हैं, उठ के बाहर गए हैं, फ्रेशन अप होके आएंगे, अभी गुस्सा ही चल रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी चाय बननी है, चाय पीनी है तो मानना ही पड़ेगा, अभी मना लेंगे। अभी आएंगे दीप, तब फिर मिलाते हैं। ये देखिए, ये देखिए मुंह फुला के टमाटर जैसे लाल है। ये देखिए दोस्तों मैं चाय लेके आई हूँ, ये ब्रश करने में है, और ये जानबूझ के हो रहा है, देखते रहिए, ये जानबूझ के ब्रश हो रहा है चाय के टाइम पे। हमेशा पहले चाय पी जाती तब ब्रश होता है, आज टमाटर जैसे लाल है इसलिए पहले ब्रश हो रहा है, और मैं चाय निकाल के रख के आई हूँ। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये देखिए दोस्तों अभी चाय पीने में न खड़े हो रहे, आज आपको नमस्ते भी नहीं कर रहे। नमस्ते दोस्तों। ये देखिए गल तो पूरे फूल गए, टमाटर फूटने वाला है। देखिए मेरी बेटी भी देख रही है, विशु, वो देखिए येलो राइस बन गए हैं और वो खा रही है, और बेटे को खाने से मतलब नहीं है। रचित इधर देखो, नाश्ता करो, लेट हो जाएगा। दो। ये देखिए छोड़, अब चाय पी लिए, फाइनली चाय उठा ली तो उसका मतलब टमाटर फूट चुका है। वो देखिए भाई बहन की लड़ाई, देखिए ये भाई बहन बहुत लड़ते हैं। मार दूंगा थप्पड़। वैसे इधर बुलाओ नहीं, इधर आओ। ठीक है दोस्तों, आखिर में टमाटर मान गए हैं, टमाटर मान गए हैं, अब आपको डेली ब्लॉग दिखाए जाएंगे, इसलिए हमेशा जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद करिए दीप। ठीक है, अब बाकी अगर रही सही कहता है टमाटर में अभी रहेगी तो चाय के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, बाय। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।